हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। पिछले 6 महीने में 100 ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हैं या कोई नया इलेक्ट होता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि हम कौन से उनमें से चूज़ करें, क्योंकि कम से कम भी अगर आप पिछले 6 महीने की नियुक्तियाँ मिलाएं तो 1500 से ज़्यादा हैं। इनमें आपके काम की सिर्फ 100 हैं, वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपको अपॉइंटमेंट से जो 2 क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल या आईबीपीएस पीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेनड्राइव कोर्स उपलब्ध है, आप इस नंबर पर डायल करके ज़्यादा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के एम्बेसडर, अमेरिका के राजदूत भारत में कैनेथ जस्टर, और एम्बेसडर के लिए हम हाई कमिश्नर वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी तो मैं बताता चलूंगा, जिससे आपके और भी क्वेश्चन कवर हो जाएं। हाई कमिश्नर वर्ड हम यूज करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, और एम्बेसडर यूज करते हैं नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में। तो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में कैनेथ जस्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद से निपटने के लिए जो चीफ बनाया है वो बनाया है रशिया के राजदूत डिप्लोमेट व्लादिमीर वोरोंकोव को। NIFT निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं राजेश शाह। इससे पहले थे क्रिकेटर चेतन चौहान, लेकिन उसके बाद बने राजेश शाह। UPSC के चेयरमैन हैं प्रोफेसर डेविड सैमलिया। याद रखिए, UPSC का चेयरमैन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों अपनी दोबारा उसी पोस्ट पर नियुक्त नहीं हो सकते, तो याद रखिए, दे कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। US एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन, ये भारतीय मूल की हैं, इनका नाम है निक्की हेले। ये हैं अमेरिका की राजदूत यूनाइटेड नेशंस में। जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमियर, हालांकि जर्मनी में जो पावरफुल पर्सन होता है वो होता है चांसलर, जो है एंजेला मर्कल। पहली महिला जो स्कॉटलैंड यार्ड को जिन्होंने लीड किया वो है क्रेसिडा डिक। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहले जॉन कैरी थे, लेकिन ट्रंप सरकार में रेक्स टिलरसन। और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है जनरल मैकमास्टर। ये दोनों पूछे जा सकते हैं, जनरल मैकमास्टर जो भारत भी आए थे। LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत भार्गव, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत भार्गव। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। एसोचैम एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं संदीप जाजोदिया। पहली महिला फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की बनी तहमीना जंजुआ। एक बात और याद रखिए, ये जो पहले वाले होते हैं, पहली वुमेन, पहले फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं अमजद हुसैन बी सियाल। सार्क में 8 देश हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। और सेक्रेटरी जनरल वर्ड हम चीफ के लिए यूज़ कर देते हैं, तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं सार्क का चीफ कौन है, अमजद हुसैन बी सियाल। और ट्रंप की सरकार में हेल्थ केयर को संभालने के लिए एक इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है एक भारतीय को, इनका नाम है सीमा वर्मा। 72वां जो अधिवेशन होगा संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली का, उसके प्रेसिडेंट बने हैं स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर मिरोस्लाव लाजैक। नेपाल के प्रधानमंत्री 4थी बार बने हैं, पहले थे पुष्प कमल दहल जिनको प्रचंड बोलते थे, फिर बन गए शेर बहादुर देवबा। क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा जिसका हेडक्वार्टर है हेग नेदरलैंड्स में, इसके रीनॉमिनेट किए गए हैं, ये दोबारा इनकी एक्सटेंशन दे दी गई है जज के तौर पर, भारतीय हैं, इनका नाम है दलवीर भंडारी। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चला था कुलभूषण जाधव वाला, उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया था हरीश सालवे ने, मशहूर वकील हरीश सालवे। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोहरा। पहली महिला मेंबर ITLOS की नीरू चड्ढा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पगड़ी पहने हुए पहली कैनेडा जज, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टर्बन जज इन कैनेडा, ये भारतीय मूल की सिख है, इनका नाम है पलबिंदर कौर। पहली महिला सिख MP जो UK की हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इलेक्ट की गई हैं, चुनी गई हैं, उनका नाम है प्रीत गिल। बिहार के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी, ये बंगाल के गवर्नर हैं, लेकिन बिहार के जो गवर्नर थे रामनाथ कोविंद, वो अब नए राष्ट्रपति बन जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हुए तो बिहार के गवर्नर पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उनकी जगह ली बंगाल के गवर्नर को, केसरीनाथ त्रिपाठी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बिहार का। और ये अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो दो दो राज्य संभाल रहे हैं, जैसे बनवारी लाल पुरोहित हैं,
जैसे सी विद्यासागर राव है, तो उन पर नजर रखिए कौन कौन है। प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि शेखर वामपति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं विक्रम लिमाए, जो बीच में बीसीसीआई में भी चुने गए थे। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बने हैं तपन रे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है एस गणेश कुमार। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। होम सेक्रेटरी हमारे बने राजीव गौबा, राजीव गौबा ये हैं होम सेक्रेटरी। और बहुत सारे बैंक उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बदल दिए गए, तो ये फटाफट बताता हूं। जैसे उषानंद सुब्रमण्यम पंजाब नेशनल बैंक की थी पहले, अब बन गई अलाहाबाद बैंक की। सुनील कक्कर बने आईडीएफसी बैंक के। आर सुब्रमण्यम कुमार इंडियन ओवरसीज बैंक। दीनबंधु मोहपात्रा बैंक ऑफ इंडिया। और राजकिरण राय जी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इनमें अगर आप मुझसे पूछें, तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उषानंद सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम कुमार और राजकिरण राय जी। इसके अलावा दो तीन और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उषानंद सुब्रमण्यम के बाद पंजाब नेशनल बैंक के सुनील मेहता। विजया बैंक के भी बहुत इंपॉर्टेंट है आर के शंकर नारायण, क्योंकि विजया बैंक ने बहुत सारे अवार्ड जीते, 9 स्कॉच अवार्ड जीते थे आपको याद हो तो। और सिंडिकेट बैंक के एम ओ रेगो। आईडीबीआई बैंक, इसके खिलाफ पीसीए भी इनिशिएट हो चुका है, महेश कुमार जैन। इंडियन बैंक के खरात। और कर्नाटका बैंक के महाबलेश्वर एमएस। तो महाबलेश्वर एमएस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी है नजमा हब्तुल्ला जी। नजमा हब्तुल्ला माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। यंग जर्नलिस्ट एट द ग्लोबल फुटबॉल फॉर फ्रेंडशिप सोशल प्रोग्राम इन रशिया, ये बनी अनन्या कंबोज। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन बने हैं सैयद गहरुल हसन रिजवी। और हमारे माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर इस वक्त हैं मुख्तार अब्बास नकवी। इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन के चेयरमैन भारतीय बने हैं, इनका नाम है राकेश कपूर। दूसरे इंडियन अमेरिकन जज जो यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में चुने गए, इनका नाम है अमूल थापर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने गूगल के राजन आनंदन, जो एशिया के गूगल के हेड हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन में चुनी गई पीवी सिंधु। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है, पहले थी मार्गरेट चैन, अब हैं टेड्रोस आधानोम, और ये इथोपिया के हैं। सिटी काउंसिलर ऑफ लंडन कॉरपोरेशन, ये पहली बार एक इंडियन बॉर्न वुमेन चुनी गई है, इनका नाम है रेहाना अमीर। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं डॉक्टर एस क्रिस्टोफर। और UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो रियो 1992 समिट के बाद एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट था, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, इसके डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ओवैस सरमाद। सबसे पहले ट्रांसजेंडर लेक्चरर कायदे आजम यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद के आयशा मुगल, ये ट्रांसजेंडर है, विपरीत लिंग व्यवहार उत्सुक। पहली महिला रेफरी जो यूरोप के टॉप लीग्स में चुनी गई है, ये जर्मनी की पुलिस में काम करती है, इनका नाम है बिबियाना स्टाइनहाउस। अनिल माधव दवे हमारे पर्यावरण मंत्री थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उसके बाद एडिशनल चार्ज दे दिया गया पर्यावरण मंत्रालय का डॉक्टर हर्षवर्धन को, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने इमैनुअल मैक्रोन, इनकी पार्टी का नाम है एन मार्श। और ट्विटर ने इंडिया के लिए अपना डायरेक्टर बनाया है मिस्टर तरनजीत सिंह को। JNU के नए चांसलर बने हैं VK सारस्वत। पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर टू इंडिया सोहेल महमूद, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान को जो राजदूत होता है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले थे अब्दुल बासित चले गए, अब इनकी जगह आए हैं सोहेल महमूद। डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा। तो डिफेंस सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को कंफ्यूज नहीं करना है, होम सेक्रेटरी है राजीव गौबा। पहले नॉन IAS यानी IAS नहीं है जिन्होंने टी बोर्ड को हेड किया, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो IAS नहीं है फिर भी टी बोर्ड को हेड किया, इनका नाम है प्रभात कुमार बेसबोरुआ। पहली महिला प्रेसिडेंट CII की, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की, शोभना कामिनेनी। CGA बने हैं जिसे बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स एंथोनी लियान जुआला, ये CGA है, CAG नहीं है, CAG है शशिकांत शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ के नए ह्यूमैनिटेरियन एड चीफ बने हैं मार्क लॉकॉक। फीफा गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन है जस्टिस मुदगल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फीफा के जिन्हें प्रेसिडेंट बोलते हैं जियानी इन्फेंटिनो। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवार्ड फिलिप, लेकिन फ्रांस में असली एग्जीक्यूटिव ताकत होती है प्रेसिडेंट के पास। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जाए, इनसे पहले थी पार्क गुन हाए, लेकिन पार्क गुन हाए को हटा दिया क्योंकि वो करप्शन में पकड़ी गई, अब है मून जाए। लार्सन एंड टूब्रो बहुत बड़ी कंपनी है, इसके CEO हैं एस एन सुब्रमण्यम, ये भारत के लिए हैं याद रखिए। पहली नॉन वाइट यानी पहली अश्वेत सर्किट जज
ओल्ड बैले इन लंदन में बनी इंडियन, इनका नाम है अनुजा धीर। नेस्कॉम के सीईओ ये हैं रमन रॉय। आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मालविका सिन्हा। भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में, इनका नाम है प्रीतिका याशिनी। गुजरात की पहली महिला वुमेन चीफ बनी है डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, ये सबसे ऊपर की आईपीएस रैंक होती है एक स्टेट के अंदर, गीता जौहरी। गुजरात की पहली महिला पुलिस चीफ हैं ये, गीता जौहरी। गल्फ ऑयल ने अपना सीईओ एक दिन के लिए बनाया एमएस धोनी को, एक दिन के लिए। मद्रास हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस हैं इंदिरा बैनर्जी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, चाइना से हमारा इशू चल रहा है, लगभग 3500 किलोमीटर की हमारी जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं आर के पचनंदा। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल राजीव राय भटनागर, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। पहली महिला चीफ यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की, पाकिस्तान का जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है इसकी पहली महिला चीफ बनी सीमा कामिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी गीता मित्तल। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो जनेवा में यूएन के ऑफिसेज हैं उनमें भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे राजीव कुमार चंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी की नई चेयरमैन है वनजा सरना। और वोडाफोन और आइडिया दोनों ने अपना बिजनेस मर्ज कर दिया है, तो मर्ज होने के बाद जो नई कंपनी बनेगी उसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर बिभू प्रसाद कानुंगो, आरबीआई में चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। बीएसएफ वुमेन फील्ड ऑफिसर बनी तनुश्री पारिक। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्निंग बॉडी में सिद्धार्थ उपाध्याय। एम्स दिल्ली के नए डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। और हाई कोर्ट के देखते हैं चीफ जस्टिस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नवनीति प्रसाद सिंह केरला के चीफ जस्टिस, केरला हाई कोर्ट के। मध्य प्रदेश के हेमंत गुप्ता, पटना के राजेंद्र मेनन, झारखंड के प्रदीप कुमार मोहंटी। सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी बने हैं के नए चेयरमैन नरेंद्र कुमार। मुंबई के मेयर बने हैं विश्वनाथ महादेश्वर। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नंद कुमार साय। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के नसीम अहमद जैदी के बाद बने हैं अचल कुमार ज्योति। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल, हालांकि ये पिछले 6 महीने की अपॉइंटमेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी पता होना चाहिए अरविंद सुब्रमण्यम। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा। चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं आर एस शर्मा। भारत के अटॉर्नी जनरल अभी अभी बने हैं 3 हफ्ते पहले के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी नहीं है, के वेणुगोपाल। ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पिछले 6 महीनों से, इनको आप अच्छे से कर लीजिए तो फिर आप अपॉइंटमेंट में बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो ये बताइए अब्दुल बासित के बाद भारत में पाकिस्तान के नए राजदूत कौन हैं, कमेंट्स में लिख के बताइए।